टी20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सुपर 8 मुकाबला। रोहित शर्मा तेज खेलने के चक्कर में कैच आउट हुए, विराट कोहली आगे बढ़कर मारने के चक्कर में बोल्ड हुए। हाल के दिनों में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब टीम इंडिया ने अटैक के चक्कर में विकेट्स गवाए हों। टीम इंडिया ने टी20 खेलने का अपना तरीका बहुत बदला है। बांग्लादेश को 50 रन से हराने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने इस पर बात की। वो बोले, मैं लंबे वक्त से इस पर बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैदान पर उतारने की बात थी। सब देखते हुए कहूँ तो हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, हालात से तालमेल बिठाया, यहाँ थोड़ी हवा भी रहती ही है। ओवरऑल हम बहुत स्मार्ट हैं, हम गेंद और बल्ले से बहुत अच्छे रहे, सारे 8 बल्लेबाजों को अपना रोल प्ले करना होगा, फिर ये चाहे जो हो। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित बोले, हमने देखा कि एक बंदे ने 50 बनाए और हम 196 रन तक पहुँच गए। टी20 में मैं नहीं मानता कि हमें 50 और शतकों की ज़रूरत है, मैटर बस ये करता है कि आप बॉलर्स पर कितना प्रेशर डाल पाते हैं। सारे बल्लेबाजों ने शुरू से ही ऐसा खेला और हम ऐसे ही खेलना चाहते हैं। स्क्वाड में बहुत सारा अनुभव है और हम उन्हें बैक करते हैं। इस मैच में हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 27 गेंदों पर 50 रन बनाने के साथ एक विकेट भी लिया। इनकी तारीफ में कप्तान रोहित बोले, मैंने पिछले गेम में भी कहा था उनका अच्छी बैटिंग करना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हम टॉप 5 और 6 के बाद अच्छी फिनिश चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि हार्दिक क्या कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, अगर वो ऐसे ही करते रहे तो हमारा बहुत फ़ायदा होगा। बॉलर्स की तारीफ में रोहित ने कहा, कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं और अगर हम बॉलर से कुछ डिस्कस करें और इसका फ़ायदा भी मिल जाए तो बेहतरीन है। बॉलिंग में सारे ही लोगों ने अच्छा तालमेल बिठा रखा है, हमने तमाम चीज़ें डिस्कस की थी और इनका अच्छा फल मिला। हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने भी मैच के बाद ब्रॉडकास्टर से बात की। हार्दिक टीम की तारीफ में बोले, हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, सबसे ज़रूरी ये रहा कि हम साथ रहे और अपने प्लान्स एग्जीक्यूट किए। मुझे समझ आया था कि बल्लेबाज हवा का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की कि उन्हें ये मौका ना दूँ। आपको बल्लेबाज से एक कदम आगे रहना ही होता है। एक ग्रुप के रूप में हम कई चीज़ों में बेहतर कर सकते हैं, गुच्छों में विकेट खोने से बचना होगा, इससे अलग हम ठीक दिख रहे हैं। हार्दिक ने आगे कहा, मैं भाग्यशाली हूँ कि देश के लिए खेल पा रहा हूँ, मुझे बड़ी खतरनाक सी चोट लगी थी, मैं वापस आना चाहता था लेकिन ऊपर वाले के प्लान अलग थे। मैं एक दिन राहुल सर से बात कर रहा था और उन्होंने मुझसे कहा था, भाग्य उन लोगों तक आता है जो कड़ी मेहनत करते हैं और ये चीज़ बहुत दिन तक मेरे साथ रही। बात इस मैच की करें तो पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 196 रन बनाए थे, जवाब में बांग्लादेश 146 तक ही पहुंच पाया। भारत ने मैच 50 रन से अपने नाम कर लिया। ये सुपर 8 में भारत की लगातार दूसरी जीत है। टीम 24 जून सोमवार को अपने आखिरी सुपर 8 मैच में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।